संगत जी, हमारी जो किस्मत है, हमारा जो भाग्य है, वो कितना महान है कि हमें ऐसे गुरु महाराज के दर्शन करने का मौका मिला, हमें उनकी मुख से उत्तम वाणी सुनने का मौका मिला, हमें उनके द्वारा ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला, हमें उनके सानिध्य में सत्संग करने का मौका मिला, हमें उनके सानिध्य में वाणी सुनने का मौका मिला। गुरुजी बहुत बोलते नहीं थे, प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन वो हमें ज्ञान देते थे अपने नेत्रों से, अपने हाव भाव से, अपनी ब्लेसिंग से। जो भी उनके यहाँ गया वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके आए, और कुछ ना कुछ से मेरा अभिप्राय है, जो हम दुनियावी इच्छाएं लेके जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञान की बात कर रहा हूं, भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। गुरु जी कहा करते थे, पंजाबी में बोलते थे वो, कि लोकी रब नू भुले बैठे ने, मैं तुहानू रब नाल मिलाना है। यानी कि वो कहते थे कि गुरुजी हम सबको भगवान से मिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि कलयुग में जो इंसान है वो अपनी गहमा गहमी में, चकाचौंध में सब कुछ भूल गया है, रब को भी भूल गया, भगवान को। और वो कहते थे कि रब को ढूंढने के लिए इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही रब है। वो कहा करते थे, मन चंगा नलके दा पानी भी गंगा। तो ये जो हम एक रिचुअल अपने जीवन में धारण कर लेते हैं कि गंगा स्नान करके आएंगे या ये तीर्थ करके आ जाएंगे तो इससे ये हमारा कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे पहला काम जो हमें करने का है वो अपने आप को शुद्ध करने का है। अपने आप को शुद्ध करने से अभिप्राय हमारा शारीरिक नहीं, हमारी मानसिक शुद्धि का है, कि हम मन से किसी का बुरा ना चाहें, किसी के लिए बुरा ना बोलें, किसी को बुरा कुछ ना कहें, और किसी को धोखा ना दें, किसी को अपशब्द ना बोले। यही सब वो अपेक्षा करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना गुरुजी दा, मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज और जूम सेशन का, कि जो हर शनिवार शाम को 8 बजे से और 10 बजे तक ये एक संयोग हमारे सबके लिए बनाते हैं कि हम सब इकट्ठे हों, हम सब गुरुजी का नाम लें, गुरुजी के शब्द सुने। सबसे पहली प्रायोरिटी गुरुजी ने शब्द वाणी की, क्योंकि वो महापुरुषों ने, जिन्होंने रब को हासिल किया था, जिन्होंने रब को साक्षात अंदर अंतर मन से देखा था, उनकी वाणी, जो उन्होंने जो वाणी उचारी वो शब्द वाणी का हम श्रवण करते हैं, आरती करते हैं गुरुजी की, मंत्र जाप करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो जो ये सेशन है उसमें विराजमान रहे। हम जो उनके वचन, जो आज पूनम शर्मा आंटी, ये भी बहुत अच्छा एक उपाय है कि सुरेश अंकल अलग अलग संगत को लगाते हैं ताकि वो अपने आप को गुरुजी का एक भक्त माने, अपने आप को एक संगत के बीच में बैठ के वो भी ये गर्व महसूस करें कि गुरुजी के शब्द, गुरुजी के जो वचन हैं उचारे हुए वो उनको पढ़ने का मौका मिले। तो आज हम सब पूनम शर्मा आंटी से, जो उन्होंने शब्द, वो जो उन्होंने जो वचन ढूंढ के रखे हैं, वो चाहे सबीना कोचर आंटी की बुक में से हो, चाहे वो सुखमनी आंटी की बुक में से हो, या बैम्बी आंटी की बुक में से हो, या कोई और जो भी जहां से भी सुने हो, तो वो मैं बिना कोई ज्यादा समय लिए हुए पूनम शर्मा आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें और हम सबको वो वचन पढ़ के सुनाएं, और कैसा वो उन वचनों को महसूस करती है वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पूनम शर्मा आंटी, आपका स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप पेज और जूम प्लेटफॉर्म, शुक्राना गोपाल अंकल, सुरेश वासन अंकल, सारी साथ संगत का शुक्राना।
गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि आज उन्होंने अपने वचन पढ़ने की, उसकी व्याख्या करने की सेवा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। इसमें कोई भूल चूक हो जाए तो उसे गुरु जी क्षमा कर देना। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु जी की महिमा अनंत है और उनके अनंत शुक्राने हैं। आज जूम प्लेटफॉर्म पर सुरेश अंकल ने जो मुझे सेवा बख्शी है, इसके बारे में दो लाइनें याद आ रही हैं। जिन पुछदा न कोई इस जग ते, उस बंदे ते दाता दयाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे ये अवसर मिलेगा। ये सब गुरु जी का शुक्राना है और जूम प्लेटफॉर्म का शुक्राना है। गुरु जी के वचन में मैंने गुरु जी की आज्ञा से लिया है। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। परंतु मनुष्य किसी काम का नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म सवार सकता है। इसका भाव यही है कि मानव चोला जो है, मनुष्य जीवन जो है, वही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम पाठ कर सकते हैं, और पाठ करने के साथ साथ हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य का चोला ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपना समय पाठ में बिताएं, क्योंकि जो जानवर है, अगर वो पाठ नहीं कर सकता तो जानवर के मरने के बाद उसके शरीर से कई चीजें जो है वो बनती हैं और हम मनुष्यों के काम आती हैं। जैसे उसकी स्किन से बैग, बेल्ट, ये सब चीजें बनती हैं और उसको खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य को अपने जीते जी पाठ करने की सुविधा है। मुझे जो समझ आता है उसमें यही है कि जैसे हम टेरेस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब सेकंड लास्ट सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो उसके बाद अगली जो सीढ़ी होती है वो जंप करके ऊपर चले जाते हैं और टेरेस पर पहुंच जाते हैं। तो गुरु जी का भाव यही रहा होगा कि हम मनुष्य चोले में आए हैं 84 लाख योनियां भुगत कर, और जब हमने ये चोला लिया है तो इसमें अपना उद्धार करें, अपना टाइम सत्संग सिमरन सेवा में लगाएं, ताकि जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लें, टेरिस के ऊपर पहुंच जाए। नहीं तो इस बार चुके तो फिर वापस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और फिर पता नहीं कि ऐसा सदगुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब गुरु जी का वचन जो है वो यही समझाता है कि हमें, क्योंकि इतने अच्छे गुरु जी मिले हैं, तो उनकी बात मानते हुए हमें अपना टाइम, अपना समय पाठ करने में, सिमरन करने में बिताना चाहिए। जय गुरु जी। एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरु जी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। गुरु जी ने प्रश्न किया, जद लोका दे पाठ पढ़ता है ता किन्ने सफे बिना पढ़े ही पलटता है। वह पाठी जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े पलट देता था। फिर गुरु जी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ करया करो, यानी पाठ अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और ये तो गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने टाइम पर, जब भी होता था वो ये कहते थे कि शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। और ये जो इसमें बताया पाठी जी, जो गुरु जी से पूछ रहे हैं कि भाई मनु जीवन इस कुछ ठीक नहीं है, तो गुरु जी उन्होंने समझाने लिए कहते हैं भाई तुसी चीज नो समझो कि जेड़ा काम सौंपे जाता उन्होंने असं पूरी ईमानदारी नाल करना है, पूरे ही अपने उसमें
ईमानदार होकर करना है। वो पाठी जो था वो लोगों के लिए पाठ करता था, लेकिन उसके पेजेस जो थे वो बीच बीच में से छोड़कर पढ़ देता था कि किसी को क्या पता चलना है, और इस वजह से वो परेशान रहता था। सेकेंड चीज कि हम लोग जो है वहमों में भ्रमों में ना पड़े, पंडितों पाठियों के चक्रों में ना पड़े, बल्कि हम अपने लिए खुद पाठ करें। ये तो उनका बिजनेस है, वो कहते हैं कि तुम ये पाठ करोगे तुम्हें इतना फायदा होगा, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम हमें मोक्ष दे दो, उसके बदले पैसा दे दो, हम आपके लिए पाठ करेंगे और उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। और गुरु जी कहते थे कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, चाहे दो लाइना पढ़ो दो अक्षर पढ़ो, लेकिन अपना पाठ खुद करो। और पाठ करन इस टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन वो साढ़े वास्ते हम सबके लिए अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले हैं उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। गुरु जी अक्सर कहते कि मैंने जो कल्याण किए हैं वह सबको बताओ। गुरु जी चाहे एम्पायर स्टेट बैठते थे या फिर बड़े मंदिर, जब भी संगत बैठी होती थी तो सबको वो कहते थे कि आपस में गल्ला बातें करो। और वो गल्ला बातें, वो बातचीत जो थी, वो ये दुनियावी बातचीत करने के लिए नहीं कहते थे। वो ये कहते थे कि जो भी तुम्हारा कल्याण हुआ है, जो भी तुम्हें यहाँ पर आकर अच्छा लगा है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करो। और क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि बात हम दो जनों की नहीं होती, दो जनों में हमेशा किसी तीसरे जने की ही बात होती है, किसी तीसरे व्यक्ति की ही बात होती है। और उस बात में क्या है कि हम मैं मेरे में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी की बातें करते हैं, तो हमारे बीच में परमात्मा का वास होता है, गुरुजी का वास होता है। और ये जो है, ये जो घड़ियां होती हैं, ये सत्संग की घड़ियां हो जाती हैं। और इन घड़ियों के सत्संग की वजह से ही हमें शुकराने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए गुरु जी कहते थे कि आप जो भी आपके कल्याण हुए हैं, जो भी आपको मेरे यहाँ से ब्लेसिंग मिली है, उसके बारे में सबको बताओ, एक दूसरे से शेयर करो। कि सत्संग कहने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनन वाले का भी भला होता है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखाता है। गुरु जी कहते हैं कि मैं एक रसिक बैरागी गुरु हूँ। मतलब रसिक कहा जाता है कि जो अलग अलग तरह के रसों में डूबे हुए हैं। रसों मीन्स जो दुनियावी चीजें हैं, कार्य विहारों में डूबे हुए हैं कि आज मैं अपने बिजनेस मेरा इतना हो गया, इसको मैं और एक्सटेंड कर लूं, या आज हमारे पास छोटा घर है, अब मैं थोड़ी और मेहनत करूं कि मेरे पास बड़ा घर आ जाए। तो ये क्या रसों में डूबे रहना, कि परमात्मा को याद ना करना, उनको ना समझना। दूसरी ओर है बैरागी, जो वैराग ले लेते हैं घर गृहस्थी से, बच्चों से, सब चीजों से दूर हो जाते हैं कि हम वैरागी हो गए हैं, हमने भगवा चोला पहन लिया है, अब हमने सन्यास ले लिया है। गुरु जी कहते हैं नहीं, मैं रसिक बैरागी गुरु, मैं तुहानू परिवार दे उत्तरदायित्व निर्वाह करन दे नाल नाल प्रार्थना करन दे मार्ग ते भी ले जाना वा। कि जरूरी नहीं है कि हम चोला या भगवा वेश धारण कर ले, सन्यास कर ले, नहीं। हमें अपने परिवार में रहकर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां, सारे कर्तव्य करते हुए प्रार्थना करनी है। जब हम किसी भी कार्य को करते हुए प्रार्थना का भाव लेकर आते हैं तो वो जो कार्य है वो सेवा बन जाता है। जो भी हमारा, अगर हम खाने में अपनी प्रार्थना का करते हैं, प्रार्थना करके खाना बनाते हैं, तो वो लंगर प्रसाद का रूप ले लेते हैं। और वहीं चीजें जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वहां पर वहां के जो सेवादार अंकल आंटी हैं वो भी यही कहते हैं, आंटी जल प्रसाद ले लो, आंटी चाय प्रसाद ले लो, अंकल लंगर प्रसाद कर लो, क्योंकि वहां दिन रात सेवा सिमरन होता है और सिमरन में ही सारा लंगर बनता है।
तो यही बताया कि हमें बाहरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे कबीर दास जी थे, संत रविदास जी थे, इन्होंने अपना गृहस्थी धर्म कोई नहीं छोड़ा, अपने जो जो इनका कार्य था, चाहे कबीर जी कपड़ा बुनते थे, रविदास संत रविदास जी जूते बनाते थे, उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। सदना कसाई ने अपना कार्य नहीं छोड़ा, उन्होंने काम करते हुए अपना मन प्रभु सिमरन में लगाए रखा। जैसे कहते हैं ना कि हथ कारिच ते ध्यान यार इच, और यार कौन है? साडे गुरु जी, साडे परम पिता परमात्मा, जिन्होंने सानू सिमरन दा परमात्मा दा रास्ता दिखाया। गुरु जी कहते सी कि जे अगर आंटी हो, अगर तुसी लिपस्टिक लगान ले गए हो, ता भी अगर तुसी मन याद कर दे हो, ये वो भी तुहाडे वास्ते सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लोग पुत्र तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो अधिक गुरु जी का भाव है कि मंगो नहीं, मनो। गुरु जी हमेशा कहते कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें खुद को नहीं पता होता कि हम जो वस्तु मांग रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है या बुराई के लिए। जैसे लोग पुत्र मांगते हैं कि हाँ हमारा कुल बढ़ेगा, हमारे वंश का नाम होगा, कीर्ति होगी, और जैसे जैसे जितनी भी कोशिश होती है, जितनी अरदासें होती है, उसमें यही कहते हैं हे भगवान हमें पुत्र दे दो, हे भगवान हमें बेटा दे दो। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अगर जबरदस्ती मांग रहे हो और परमात्मा ने दे भी दिता तो की बताओ विक्षिप्त हो जाए, उसका मानसिक संतुलन ठीक ना होए, या फिर वो बच्चा जड़ा है वो घट आयु वाला होए, ओदे च भलाई नहीं है ना, तुसी होर भी ज्यादा दुखी हो गए। ऐसे करके तुसी सिर्फ मंगो नहीं, मनो, सिर्फ मनो मनो मेरे जेड़े वचन है, मैं जो जो तुहानू समझाना वा, सिमरन दी जेड़ी तुहानू दात दित्ती है ओनू मनते जाओ, ओनू मनते जाओ और अगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पूछा गुरबाणी दे टप्पे सुनदे हो? मैंने उत्तर दिया हां जी गुरु जी। गुरु जी बोले समझ आंदे ने? मैंने कहा जी थोड़े थोड़े। गुरु जी ने कहा सुनिया करो, चंगे होंदे हैं। गुरबाणी दे टप्पे यानी कि गुरबाणी दे शब्द। गुरु जी हमेशा संगत नूं कहंदे सी कि बैठ के शब्द सुनिया करो। बहुत सारे ब्लेस्ड शब्द जिहड़े हैगे उह अज वी वड्डे मंदिर च गुरु जी दे सत्संग च बोले जा सुनाए जांदे आ, असीं सारे जने सुनने आ। और उह पुछदे सी कि अगर तुहानूं शब्द समझ नहीं आंदे तां वी उहनां नूं सुनो, जब तुसी उहनां नूं सुनदे रहोगे तो तुहानूं जरूर समझ आन लग जाएंगे, आपको जरूर समझ आएंगे। क्योंकि गुरबाणी के जो शब्द होते हैं वो व्याख्या वाले होते हैं और उनमें छोटे छोटे दृष्टांत होते हैं, और वो दृष्टांत जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ से मैच खाते हैं और हमारी कई प्रश्नों का उत्तर गुरबाणी के शब्दों में ही मिल जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा गुरबाणी के शब्द सुनने चाहिए। गुरु जी कहते थे कि गुरबाणी के जो शब्द है वो हमारे मन को परमात्मा से जोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो ध्यान है वो बाहरी दुनिया से हटकर परमात्मा से हमारी लिप लगा देते हैं। इसलिए हमें गुरबाणी के टप्पे अर्थात गुरबाणी के शब्द जरूर सुनने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकालें, ना कि बाद का बचा हुआ झूठा भोजन उन्हें दें। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप किसी गरीब को या काम करने वाले जैसे ड्राइवर अंकल, वॉचमैन अंकल या जो हेल्पर है उनको कुछ भी देना चाहें, भोजन वगैरह, तो फंक्शन शुरू होने से पहले, कोई भी जो उत्सव प्रोग्राम कर रहे हैं उसके शुरू होने से पहले ही उनके लिए भोजन निकालना चाहिए, ना कि बचा हुआ भोजन की ये बच गया तो चलो इनको दे दो। गुरुजी हमेशा जो
ड्राइवर अंकल होते थे, वॉचमैन अंकल होते थे, या जो भी हेल्पर अंकल होते थे, आंटियां होती थी, उन्हें वो वीआईपीज कहते थे। वो कहते थे कि सबसे पहले लंगर प्रसाद जो है वीआईपीज को देना चाहिए। इसके पीछे वो यही कहते थे कि इन वीआईपीज के कारण ही तुम हाथ जेबों में डालकर घूमते हो, अभी तुम बॉस हो, क्योंकि ये असल बॉस यही है जो तुम्हारी हेल्प करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको पता नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। गुरु जी हमेशा प्रार्थना करने पर बल देते थे। वो कहते थे कि हमें अपनी प्रार्थना के अंदर अपने जाने अनजाने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान को काम करते हुए, कर्म करते हुए पता नहीं चलता कि क्या सही कर रहा है या क्या गलत कर रहा है। इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना के अंदर अपने सभी जाने अनजाने सभी कर्मों के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी एक वकील की तरह ही हम सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, और वो हमें हमारे बुरे कर्मों की माफी दिला सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। गुरु जी हमेशा निंदा चुगली करने की मनाही करते थे। वह कहते, ऐसा करने से आपकी ब्लेसिंग उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसकी आप निंदा करते हो, और उस व्यक्ति की सारी नेगेटिविटी आप में आ जाती है। इसलिए हमें निंदा करने से बचना चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसा ही स्वीकारना चाहिए। उसकी बात कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा है, जो गुरु जी हैं, परमात्मा ने हम सबको बनाया है, और परमात्मा को अपने सारे बच्चे प्यारे हैं। जैसे एक पेरेंट्स हैं, अगर हम उनके बच्चे की बार बार उनके बच्चे को गलत बोलेंगे, उनकी बुराई करेंगे, तो वो पेरेंट्स भी हमें अच्छा नहीं समझेंगे। इसी तरह जो परमात्मा के, हम सब इंसान जो है परमात्मा के बच्चे हैं, तो अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो परमात्मा को भी बुरा लगता है ना, तो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, और उस इंसान को भी बुरा लगता है, और जब बुरा लगेगा उसे तो वो अपनी नेगेटिव थॉट्स सारे हमारे ऊपर डालेगा, और हमारी जो ब्लेसिंग है वो सारी खुद ले लेगा। इसलिए गुरु जी ने कहा कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु जी अपना आशीर्वाद देने, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और लाभ हानि से नहीं मापना चाहिए। गुरु जी जो है वो कल्याण करता है। गुरु जी हम सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो गुरु जी का आशीर्वाद है वो इस जन्म में ही नहीं, बल्कि जब तक हमारा निर्वाण नहीं होता, हमारे निर्वाण के समय में, हमारे अंतिम समय तक गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और गुरु जी की ही ब्लेसिंग एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हमें इस लोक में भी सुखी करती है, और हमारा परलोक भी सुहेला बनाती है, अच्छा बनाती है। गुरु जी के बड़े ही अनूठे तरीके हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के। कभी वो अपनी फ्रेग्रेंस के जरिए हमको खुश करते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग देते हैं। कभी ओम दर्शन देकर, कभी त्रिशूल दर्शन देकर, और कभी कभी तो हमें बहुत असाध्य बीमारियों से दूर करके, और हमारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याओं को दूर करके। गुरु जी हमेशा हम अपने भक्तों के उद्धार के लिए उनके कष्टों को अपने ऊपर ले लिया करते थे, और कई बार तो ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी अपनी बॉडी में क्या हो रहा है।
लेकिन गुरु जी इस तरीके से क्योर कर देते हैं, तब भी उनको बताने के लिए स्पेशल वो बताते हैं कि देख तनु ए प्रॉब्लम सी, सो ए ठीक कर देती है ना। इसमें इस वचन के साथ एक छोटा सा अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिस तरीके से गुरु जी ने मुझे क्योर करा। मुझे टाइम तो पता नहीं कि कब की बात है, एक बार क्या हुआ कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई और वहां पर जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद करा, और वापसी जब लंगर प्रसाद करके आने लगी तो जल प्रसाद मिला या मैंने कहा मुझे और चाहिए। दो तीन गिलास, मुझे नहीं पता मैंने कितना वहां पर जल प्रसाद पिया। घर आई और मॉर्निंग में उठी तो मुझे यूरिन पास नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा। डॉक्टर के पास लेकर गए, सारा चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने ये बताया कि तुम्हारे अंदर स्टोन था और वो स्टोन जो है वो निकल गया है, और उस निकलने स्टोन के निकलने की वजह से तुम्हारे बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, जिस वजह से तुम्हें दिक्कत आई है। ऐसे है गुरु जी, उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। मैं कभी सपने भी नहीं सोचा कि मुझे कभी स्टोन है, कभी कोई पेन हुआ हो या कुछ हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स था उन्होंने बताया और आंखों से झरझर आंसू निकले कि गुरु जी कैसे हो आप, हमें अपने शरीर का नहीं पता और आपने उसको पूरा क्योर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं कि वो अपने अनूठे तरीकों से भक्तों की झोलियां सदा भरते रहते हैं, उनको ब्लेस करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहना गुरु जी, अपनी कृपा मेहर बनाए रखना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जूम प्लेटफॉर्म का, सुरेश अंकल का शुक्राना, और गोपाल सेठी अंकल जी आपका भी शुक्राना। मेरे इन शब्दों की व्याख्या में जो कोई कमी पेशी रहेगी वो आप बताइए, मैंने अंकल कैसे बोले हैं या क्या मेरी बुद्धि चली है और क्या मन चला है, आप प्लीज बताइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, पूनमांटी, सारी संगत को एक बार फिर से जय गुरु जी। आंटी, गुरु जी के दरबार में जब हम मन से भाव से कुछ भी करते हैं ना, तो वहां सही गलत कुछ नहीं होता। ये गुरु जी के वचन हैं और गुरु जी की ही वाणी है जो आप बोल रहे हैं। गुरु जी आपसे बुलवाते हैं, हमसे बुलवाते हैं, जो भी वो, और हमारा और रब का जो रिश्ता है ना, जो गुरु जी, जो मैंने शुरुआत में कहा, गुरु जी कहते थे कि मैं तुहानू रब नाल मिलाना है, तो रब का और जीव का जो रिश्ता है ना, वो दिल का रिश्ता होता है। और जब हम अच्छी सोच से भगवान को हाजिर नाजिर जान के भगवान की ही बात कर रहे हैं, रब की ही बात कर रहे हैं, तो वो दिल से निकलती है, और दिल से निकली हुई बात कभी गलत नहीं होती, कभी छोटी नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बड़े प्रेम से ये शब्द जो वचन है वो सुनाए हम सबको, और जो जो आपकी समझ में आया वो आपने हमें समझाया। संगत के जो जो समझ में आए वो समझें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे अच्छे वचन आपने पिक किए, और देखिए गुरु जी की बात तो एक सेंटेंस की या दो सेंटेंस की होती थी, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो इतना गहरा, इतना डीप है हम सब के लिए, हम सबको जानने के लिए। जैसे आपने कहा रसिक बैरागी, रसिक बैरागी गुरु जो होता है ना, वो जीव को पहाड़ों पे, जंगलों में, हिमालय पे जाने के लिए नहीं कहता कि नहीं जाके वहां तप करो या एक एक तो कलयुग है, इसमें जप तप करना बड़ा औखा काम है। हम सब आप देख रहे हैं कि आज मनुष्य जो है वो जीविका कमाने में इतना संलग्न हो गया है, 2 घंटे आपको जाने में लगते हैं, 2 घंटे आपको आने में लगते हैं, 10 घंटे की नौकरी होती है, 14 घंटे इसी में निकल जाते हैं, 2 घंटे खाने में, तो कहाँ। तो गुरु जी यही, और वो जो जो बात आपने कही थी कि रागी वो पाठी को उन्होंने कहा कि जड़े पन्ने पलट देते, तो ये सिर्फ रागी के लिए नहीं, ये हम सबके लिए सीख है। हम
अपना जो काम हमें दिया है, जैसे हम कोई जॉब करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो वो ईमानदारी से करें। व्यापार करते हैं तो कस्टमर को चीट करने की कोशिश ना करें। व्यापार करना है, हमें पैसा भी बनाना है, कमाना है, जो हमारे पास जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी जीविका देनी है, वो सब उचित है, लेकिन किसी को चीट नहीं करना। या जो काम हमें बताया गया कि हमने ये मान लीजिए 100 लेटर ही टाइप करने हैं किसी ने, तो वो अगर 100 लेटर टाइप ना करके कह दे जी हाँ मैंने तो कर दिए, भेज दिए, और तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये सबक हम सबके लिए, हम जो जो काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोताही करते हैं आलस की वजह से, अज्ञान की वजह से। तो ये हमको ये गुरु जी ने ये सीख दी है कि हम अपना जो भी जीवन है, जो भी मालिक ने बख्शा है, जिस भी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई जज है, अगर वो बेईमानी करके किसी के खिलाफ गलत जजमेंट दे देता है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो ये चीजें वो गुरुजी हम सबको सिखाते हैं। और जो रसिक बैरागी की बात है, उन्होंने हमें हमेशा यही कहा कि अगर रब ने तुम्हें किसी सामर्थ्य दी है, कोई बनाया है, तो उसका भोग करो, वो भोग करो, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करो। अगर हम अच्छा खा सकते हैं तो अच्छा खाएं, अच्छा पहन सकते हैं तो अच्छा पहने। इतने ज्यादा हमारे वस्त्र हो जाएं कि हमें पता ही ना हो कि हम क्या हैं, कितना हैं, और या खाना खाते खाते हमने थाली में तो ले ली 10 चीजें, खाई गई उनसे 4, तो वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये तो गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा किसी को भी संगत को, वो तो कहते थे ऐश कर, जा ऐश कर, ऐश कर से मतलब अपने जीवन को अच्छे तरीके से हम भोगें। हमको जो भी हमारे, अगर रब ने हमें रहने के लिए अच्छा घर दिया है, गाड़ी दी है, उसमें जाएं, क्यों, कोई वो नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने कोई हमारे पर कोई सामाजिक बंधन नहीं बांधा कि हाँ जी आप ये व्रत करा करो या ये सुबह उठ के ये करा करो, ये ऐसा करा करो। वो कहते हैं कि रब को कभी भी याद किया जा सकता है। एक छोटा सा सत्संग है, गुरु जी के दरबार में शब्द चल रहा था कि मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत। तो मैंने गुरु जी से ऐसे कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बड़ा आलसी हूँ, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता। तो कहने थैंक यू करना सवेरे उठ के। मैं कहा जी गुरु जी आप यही शब्द चल रहा है, देखो आप कह रहे हो कि, कहते हैं कमलिया अमृत वेला ओ जिस वेले तू गुरु नाल बैठा है, जिस वेले तू रब नू याद करता है। तो उन्होंने ये भ्रम मुका दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमृत वेले ना उठो, आप उठो करो, आप 4 बजे उठ सकते हो 4 बजे, 3 बजे उठ सकते हो 3 बजे उठो, लेकिन रब को हमेशा याद करो। आपने जैसे कहा कि लिपस्टिक लगाते वक्त भी रब को याद करो, सोए, वो तो कहते थे आप लेटे हो सोने जा रहे हो, जब तक नींद नहीं आती है आप रब का नाम लेते रहो, जपते रहो। जो तो गुरु जी ने हमारा जीवन इतना सरल बना दिया, जो बड़े बड़े वहम हमने पाल रखे थे कि जी वो 16 सोमवार के व्रत करने से ये होगा, या इतने दिन मंगलवार प्रसाद चढ़ाने से ये होगा, या शनिवार को तेल दान करने से ये होगा, वो सब भ्रम उन्होंने हमारे मिटा। और जो एक बहुत बड़ी बात आपने आज जो एक वचन उनका शेयर किया कि मंगो नहीं मन, हम अगर अपने अपने ही जीवन का उदाहरण देखें, हम एक किसी घर में पैदा हुए, हमारे माता पिता हैं, क्या जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, जब तक हम खुद काम करने लायक नहीं हो जाते, क्या हमें माता पिता से भोजन मांगने की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्या हमें माता पिता से कपड़े मांगने की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्या हमें स्कूल कॉलेज की फीस मांगने की जरूरत पड़ती है उनसे? कभी नहीं। कभी हम कहीं जाना चाहते हैं वो नहीं। वो एक पिता माता पिता अपनी सामर्थ्य से बढ़ चढ़ कर, अगर वो आपको 1000 रुपए वाले स्कूल में डाल सकता है तो वो 1500 रुपए वाले में डालता है या 2000 वाले में डालता है, ताकि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन पढ़ने के लिए बाहर भेजने की चेष्टा करता है। तो हम तो हैं अपनी सामर्थ्य की बात करते हैं, लेकिन गुरु जी की तो क्या सामर्थ्य है, वो तो सब कुछ दे सकते हैं। गुरु जी की तो मतलब कोई अंत है ही नहीं। तो जब वो सब कुछ दे सकते हैं तो इसीलिए वो कहते थे कि मंगो नहीं का मतलब, मंगो नहीं से मतलब उनका ये नहीं कि मैं दे नहीं सकता या मैं दूंगा नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन
क्या वो हमारी डिमांड सही होगी, क्या वो हमारे लिए अच्छी होगी। जैसा आपने भी उदाहरण दिया कि किसी किसी ने बच्चा मांगा और वो विक्षिप्त आ गया, उसका मानसिक विकास नहीं है या कुछ भी, या मान लीजिए हम जिद करके, हाँ जी नहीं गुरुजी मुझे तो मर्सिडीज चाहिए कार, और वो कार का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए वो कहते थे कि जब आप मानना शुरू कर देते हो, हम मानते हैं अपने माता पिता को कि ये हमारे माता हैं, ये पिता हैं, ये हमारे लिए सब कुछ करेंगे। ऐसे ही अगर हम रब को मानने लगे कि ये रब है, ये सब कुछ दे सकते हैं, तो आप हम लालची हैं, हम जीव हैं, हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी मेरा मन कर रहा है मुझे ये दे दो आज आप, लेकिन साथ में ये कह दो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद करता है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, उसको नहीं पता कि उसके दांत खराब कर देंगे या क्या है। अगर तो वो जिद्दी हो जाता है और उसको चाहिए ही चाहिए, तो फिर तो अलग बात है। अगर वो मांगे और अगर पिता समझा दे कि नहीं बेटा ये नहीं चाहिए, और वो समझ जाए, उस मांगने में भी कोई बुराई नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ, ये मेरे विचार। तो ये बहुत अच्छे गुरुजी ने छोटी छोटी बातों में हमें जीवन का सार बता दिया। अब हमारे ऊपर है, हम उसको अपने जीवन में कैसे ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आई एम श्योर सारी संगत इनसे फायदा उठाएगी, इनका लाभ करेगी, इनको कोशिश करेगी कि हम अपने जीवन में, देखिए संगत जो भी जुड़ी हुई है वो जुड़ी इसीलिए है कि उसने इस दरबार से कुछ ना कुछ पाया। जैसे आपने कहा, मैंने तो आपको तो पता ही नहीं था कि आपको पथरी, लेकिन जो भी हम अपने दुख कष्ट रोग लेकर के जाते हैं तो गुरुजी तो फौरन उस पर निगाह डालते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं आपको, गुरुजी कहा करते थे, मैं सब तो पहले तुहाडी तुहानू जिंदगी देना, फिर तुम्हारे जो रोग कष्ट दुख है उनका निवारण, फिर कोई दुनियावी चीज पे मैं आता। तो इसलिए संगत जी ऐसे गुरु मिले हैं, बस आप उनका नाम लेते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, सबका डायरेक्ट कनेक्शन है, सब प्यार से उनके साथ जुड़े रहें, यही गुरु जी कहते थे। कहते थे इधर उधर भटको मत, जहां भी रहो एक जगह रहो। कोई लोग थे, कोई साईं बाबा के यहाँ भी जाना, उधर भी जाना, कोई फलाने शनिदेव के यहाँ भी जाना, उनके यहाँ भी जाना, तो वो कहते थे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, एक जगह विश्वास रखो और तुम्हारा कल्याण निश्चित ही निश्चित है। मेरे को, हमारे को जो संगत में जो आंटी लेके गई थी, आंटी अंकल, वो एक दिन गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हम ना इस अगले हफ्ते नहीं आएंगे संगत में, क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो गुरुजी तो जानी जान है, वो सब जानते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। एनीवे वो होके आए, जब अगले हफ्ते आए तो वो आते पूछते हैं, हाँ जी आंटी फिर हुआ ही वैष्णो देवी। तो वो बेचारे सक पका के, अरे हमने तो बोला ही नहीं था किसी को कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरु जी यही समझा रहे थे, वो पूछते थे, अच्छा दास की लेके आई हो तुम? तो वो कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा थी दर्शन करने की तो मुझे कहती, वो तो साड़ी बेटियां ने, मैं तेरे को यही दर्शन करा देता। तो कहने का भाव ये है कि अगर आपका, अगर आप मानते हो एक एक किसी भी जो भगवान को, किसी देवी देवता को, किस जिसको भी आप मानते हो, आप उसमें रखो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मतलब मेरे ही, मेरा ही जाप करो। तो ठीक है, मंत्र जाप उन्होंने दिया है, आप जाप करें। उन्होंने अपनी तस्वीरें, अपने स्वरूप दिए सबको, आप उनकी पूजा करें। उन्होंने हमेशा लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे। तो खैर ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं सुरेश अंकल को इन्वाइट करता हूँ कि वो इस सेशन का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी का, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका, आपने बड़े चाव से, बड़े मन से गुरु जी के वचनों का बखान किया।